हेलो एंड हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्मी बीट और मैं हूं आपके साथ कृतिका। 9 महीने बाद कपिल के शो में हुई बम्पर की एंट्री, कपूर शर्मा से की जमकर शिकायत। द कपिल शर्मा शो में कीकू शारदा कई किरदारों में लोगों को हंसाते नजर आते हैं। उनका बम्पर का रोल काफी फेमस है। शो के आने वाले एपिसोड में वो एक बार फिर से बम्पर के अवतार में आपको नजर आएंगे। सोनी टीवी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है। वीडियो में बम्पर कपिल शर्मा के सामने एंट्री करते नजर आएंगे और बैकग्राउंड में बाहुबली सॉन्ग चल रहा है। वो कहती है, आज खुश तो बहुत होगे तुम कपूर शर्मा। बम्पर कहती है, वो बम्पर आज तक किसी के शो की सीढ़ियां नहीं चढ़ी। वो बम्पर जो आज तक रहती थी अपने दम पर, वो बम्पर आज आपके सामने हाथ फैलाए खड़ी है। कपिल बोलते हैं, तेरा हुलिया कैसे बदल गया, तू तो नर्स थी ना पहले। बम्पर ने कहा, छोड़ दिया मैंने वो काम, सबके सब नेगेटिव लोग आते हैं अस्पताल में, किसी को हैजा हुआ है तो किसी को पीलिया हुआ है, किसी को बवासीर, लेकिन ये बातें करके आप बात को बदलने की कोशिश मत कीजिए। इस सवाल पर कपिल बोलते हैं, टाइम ही नहीं मिला क्या करे। ये सुनते ही बम्पर अपने अंदाज में ताली बजाने लगती है और कहती है, कितने टाइम के बाद मैं यहाँ पर आई हूँ, चाय कॉफी तक के बारे में नहीं पूछ रहे, एक साल में कितने बदल गए हैं आप। कपिल बोलते हैं, एक साल कहाँ, तू तो 9 महीने बाद आई है बम्पर। आपको बता दें कि कीकू शारदा अपने बम्पर वाले रोल के साथ शनिवार के एपिसोड में आपको नजर आएंगे। इस बार शो में फरहान अख्तर और प्रियंका चोपड़ा फिल्म द स्काई इज पिंक का प्रमोशन करने के लिए पहुंचेंगे। साथ ही साथ प्रियंका कपिल के साथ मिलकर काफी मस्ती करने वाली हैं और तो और प्रियंका कपिल की बोलती भी बंद कर देंगी। साथ ही साथ ये तीनों मिलकर काफी धमाल भी मचाएंगे। वही अगर कपिल शर्मा की पर्सनल लाइफ की बात करें तो वो जल्द ही पापा बनने वाले हैं। उनकी पत्नी गिनी चतुर्थ प्रेग्नेंट है और जल्द ही उनकी डिलीवरी होने वाली है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।